सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। और दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम लोग इनकम टैक्स में रिवीजन करने वाले हैं। और ये आपका जो अपकमिंग एग्जाम है 22 का, 2022 का, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन होने वाला है। आप जब चाहें दोस्तों, जिस स्पीड में चाहें, जब आपका मन करे, आप इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले वॉच कर सकते हैं। क्योंकि जब लाइव सेशन होते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये रिकॉर्डेड लेक्चर 2022 के लिए कैपिटल गेन के सारे अमेंडमेंट्स को भी कवर करेगा और सारे पॉइंट्स जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, उन सबको कवर करके चलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरे से इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हो, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हो, ट्विटर पर कनेक्ट हो सकते हो। सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों, और भी बहुत सारा फ्री का मटीरियल अगर आपको चाहिए टैक्सेशन का, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर, बहुत कम प्राइस पर, वेरी वेरी बिग डिस्काउंट, अगर आप क्लासेस चाहते हैं विद हैंड रिटन नोट्स, तो आपको अमित खांडल क्लासेस ऐप यहां पर दोस्तों डाउनलोड करना रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस के लिंक भी दे दिए हैं। राइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिविजन, कैपिटल गेन। और आपको पता है दोस्तों, कैपिटल गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में दोस्तों, इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें, बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, वो भी सारे मैं यहां पर आप लोगों के लिए कवर करके चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तैयार हो जाइएगा, बहुत जल्दी से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। सारे पॉइंट्स मैं आपको यहां पर कवर करवा के चलूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमको उसका चार्जिंग सेक्शन देखना पड़ता है। तो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है भाई साहब सेक्शन 45, और इसमें लिखा है कि जब भी किसी कैपिटल असेट का ट्रांसफर होता है और उस ट्रांसफर को होने से अगर प्रॉफिट और गेन अराइज होता है दोस्तों, यकीन मानिए प्रॉफिट और गेन, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। और दोस्तों, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर ट्रांसफर होगा, उस प्रीवियस ईयर का उसे इनकम माना जाएगा। राइट, अब मैं अलग अलग इंस्टांस डिस्कस करता हूं। एक टेबल आपके सामने प्रेजेंटेड है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली बात, कौन से ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, कौन से प्रीवियस ईयर में इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब आप कैपिटल गेन को कंप्यूट करते हो तो आपको निकालना पड़ता है जी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो आप यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेने वाले हो, ये सारी तमाम बातें दोस्तों आज के सेशन में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जल्दी से फटाफट क्विक रिवीजन हम लोग यहां पर कर लेते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी से दोस्तों आपको कोई भी क्लेम मिलता है, आपके पास कैपिटल असेट थी, वो डैमेज हो गई, वो आपका डिस्ट्रक्ट हो गई, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है भाई साहब क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी आपको यहां पर क्लेम दे देती है, तो ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रीवियस ईयर में आपको क्लेम का पैसा मिलेगा, जिस प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपको क्लेम का पैसा मिलेगा, उस ईयर में इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, उस ईयर में वो इनकम जो है वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। अगर आपको पैसा मिलता है तो पैसा ले लो, पैसा नहीं मिलता है, अगर कोई अदर असेट्स मिलती है तो उसकी क्या ले लो भाई, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। राइट, इसके अलावा दोस्तों, अभी अभी एक नई चीज और इंट्रोड्यूस की गई है, यूलिप। यूलिप का नाम आपने सुना होगा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस भी होता है। तो अगर कोई यूलिप पॉलिसी है जिसमें आपको यूनिट्स इशू किए गए हैं, यूनिट्स, और ये यूनिट आपको कब इशू किए गए हैं, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू किए गए हैं। अच्छा, जो यूलिप होते हैं, अगर इनका पैसा आपको मिलता है तो एग्जम्पशन मिल जाती है 1010D में, आपने पढ़ा था 1010D। लेकिन ये एग्जम्पशन कब नहीं मिलती है, जब किसी भी प्रीवियस ईयर का प्रीमियम
250,000 से अगर ज़्यादा है, मतलब ये जो पॉलिसी होती है इसके किसी भी ईयर में इन द टर्म ऑफ द पॉलिसी अगर किसी भी प्रीवियस ईयर का जो प्रीमियम होता है अगर वो 250,000 से ज़्यादा है, या मान लो आप बहुत सारी प्रीमियम एक साथ जमा करा रहे हो इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, बहुत सारे यूलिप प्लान का प्रीमियम जमा करा रहे हो और वो आपका 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना ऐसी जो पॉलिसी होती है उसकी मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा टैक्सेबल होती है और वहाँ पर कैपिटल गेन बनेगा। कैपिटल गेन कौन से ईयर में बनेगा भाई? जिस ईयर में आपको अमाउंट रिसीव होगा, जिस ईयर में दोस्तों आपको अमाउंट रिसीव होगा उस ईयर में आपका कैपिटल गेन बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए लॉ में लिखा है कि हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर लगाएंगे। अब वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है ये आपको अभी इसी चैप्टर में आगे देखने को मिलेगा। जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता दी। फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैपिटल असेट का अगर कन्वर्जन हो जाता है, ओ माई गॉड, इस पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अगर कैपिटल असेट का कन्वर्जन हो जाता है, किस में हो जाता है कन्वर्जन? स्टॉक इन ट्रेड में। अगर दोस्तों कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन हो जाता है तो जिस प्रीवियस ईयर के अंदर कन्वर्जन होगा, जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन होगा वो कन्वर्जन वाला साल आपका ट्रांसफर ईयर माना जाएगा। लेकिन टैक्स कब लगता है भाई? टैक्स कब लगता है याद करो, जब वो स्टॉक सोल्ड होता है, है ना, जब वो स्टॉक सोल्ड होता है। अच्छा, जब स्टॉक सोल्ड होता है तो कैपिटल गेन के साथ साथ आपको माय डियर फ्रेंड्स यहां पर पीजीबीपी का इनकम भी होगा। यहां पर नॉट ओनली कैपिटल गेन, आपको दोस्तों पीजीबीपी का इनकम भी होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, दोनों एक साथ निकालोगे जब स्टॉक बिकेगा। लेकिन दोस्तों जब आप कैपिटल गेन निकालोगे, देखो जब स्टॉक को बेचोगे तो जितने में बेचोगे वो तो बिजनेस प्रोफेशन की सेल प्राइस मानी जाएगी। लेकिन जब आप उस स्टॉक को बेच देते हो भाई जिसको आपने पहले कन्वर्जन किया है, तो कन्वर्जन के दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ध्यान से सुनना, कन्वर्जन के दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो बेचने वाली प्राइस मत लिख देना, कैपिटल गेन निकालते समय कन्वर्जन वाले दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपको यहां पर काम में लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपलसरी एक्विजिशन की। आपके पास कोई असेट है और उसे सरकार ने कंपलसरीली एक्वायर कर लिया है, तो दोस्तों एक्वायर करना भी कानून की नजर में क्या है? ट्रांसफर है, राइट। और जिस प्रीवियस ईयर में आपको कंसीडरेशन मिलेगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जिस प्रीवियस ईयर में आपको कंसीडरेशन मिलेगा ना भाई, उस प्रीवियस ईयर में हम इनकम को चार्जेबल टू टैक्स करेंगे। अगर सरकार ने एक्वायर कर लिया लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं दिए या आपको कोई असेट नहीं दिए एज ए कंसीडरेशन, तो इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो जब जब आपको पैसा मिलेगा उसी ईयर में हम उसको टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, कॉम्पनसेशन आपको एज ए मनी भी मिल सकता है और एज ए काइंड भी मिल सकता है। अगर काइंड मिलेगा तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे ही आपको पहली बार कॉम्पनसेशन मिल जाए, पहली पहली बार मोहब्बत की है, अच्छा बताऊं अभी, अरे जैसे ही आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर उसका एक पार्ट भी मिल जाएगा ना, एक पार्ट भी, तो आपको उसी ईयर में सारा टैक्सेबिलिटी कर देना है। जैसे सपोज कॉम्पनसेशन 5 लाख 1 लाख ही मिला है, तो आपको तो 1 लाख मिलते ही पूरे 5 लाख को वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख देना है, राइट। चलो इसके बाद आगे बढ़े। सर कभी कभी एनहांस कॉम्पनसेशन भी मिलता है, तो दोस्तों जब आपको एनहांस कॉम्पनसेशन मिलता है, एडिशनल कॉम्पनसेशन, तो जिस ईयर में वो आपको मिलेगा, जिस प्रीवियस ईयर में वो एनहांस कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा, उस ईयर में इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। इस पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो एनहांस कॉम्पनसेशन होता है ना, जिसको आप लोग एडिशनल कॉम्पनसेशन भी बोलते हो, ये जो एनहांस कॉम्पनसेशन होता है इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना दोस्तों, इसे यहां पर निल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निल, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉस्ट को क्या कर चुके हो? माइनस कर चुके हो। तो जब भी एनहांस कॉम्पनसेशन मिलता है, तो जब भी मिलेगा तब हम उसको टैक्सेबल करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट निल माना जाएगा।
अच्छा कभी कभी दोस्तों कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आ जाता है, भाई कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए, अभी सर अभी कोर्ट आपको फाइनल डिसीजन नहीं दे पा रहा, तो वो एक इंटरिम ऑर्डर पास कर देता है। ठीक है, फाइनल ऑर्डर अभी तक आपका जो है यहाँ पर पास नहीं हुआ है, दैट इज ओनली इंटरिम ऑर्डर। तो लॉ में लिखा है भाई अगर इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, अगर दोस्तों इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है तो आप उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाओगे। आप कैपिटल गेन की इनकम को कब चार्जेबल टू टैक्स करोगे, जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है कोर्ट का। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं कि इंटरिम ऑर्डर पास हो गया कॉम्पनसेशन के केस में, लेकिन जो चार्जेबिलिटी होगी वो कब होगी, जब फाइनल ऑर्डर हाथ में आ जाएगा, कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। इसके बाद अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये इंडिविजुअल और HUF के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल और HUF। ये जो सेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल और HUF फैमिली के लिए है। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, दोस्तों स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या होता है ये आपको पता है, जहां पर जमीन आपकी होती है, सामने वाला बिल्डर उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाता है, प्रोजेक्ट, और दोस्तों उस प्रोजेक्ट में वो आपको कुछ हिस्सा देता है, आपको कुछ शेयर देता है, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे भी दे दे, लेकिन पूरे पैसे नहीं देता है, वो आपको डेवलप प्रोजेक्ट में से शेयर देता है, क्योंकि आपने अपनी लैंड उसको बनाने के लिए दे दी। अच्छा, जो लैंड ओनर होता है दोस्तों, उसका कैपिटल गेन कब तक नहीं निकलेगा, जब तक इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्या होता है दोस्तों, जब प्रोजेक्ट बनता है ना, तो एक इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक आपको नहीं मिल जाता, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक आपको नहीं मिल जाता, तब तक लैंड ओनर के हैंड्स में हम कोई टैक्सेबिलिटी या चार्जेबिलिटी नहीं करेंगे। हम लैंड ओनर के हैंड्स में जो टैक्सेबिलिटी है या चार्जेबिलिटी है वो तभी करते हैं दोस्तों, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट। बस एक बात याद रखना कि जो लैंड ओनर है वो उसको जो भी हिस्सा मिलेगा डेवलप प्रोजेक्ट में से, वो उसे शेयर नहीं करेगा, वो उसको सेल नहीं करेगा बिफोर कंप्लीशन। अगर उसने बिफोर कंप्लीशन सेल किया तो उसका कैपिटल गेन कंप्यूट पहले ही हो जाएगा। ये जो डेफरमेंट बेनिफिट है ना, ये तभी मिलता है जब लैंड ओनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, राइट। दोस्तों कैपिटल गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के केस में, तो जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू कर दिया जाता है, इशू सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन को इशू कर दिया जाता है, और इशू कौन करता है भाई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अगर उसको इशू कर देती है, तो जिस ईयर में वो इशू होगा तब आपका टैक्सेबिलिटी निकलेगा, राइट। अच्छा, यहां पर आप फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लोगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा कि जो भी लैंड और बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आपको शेयर मिला है, जिस भी लैंड और बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आपको शेयर मिला है, क्योंकि एज अ लैंड ओनर आपने अपनी जमीन दी, तो जो भी हिस्सा आपको मिला है, जो भी शेयर आपको मिला है, उस शेयर की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ओ माई गॉड, वो जो शेयर आपको मिला है, वो जो हिस्सा आपको मिला है दोस्तों, उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। प्लस अगर सर ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लेंगे, अरे नालायको, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है ना उस दिन का। ओहो, प्लस सर अगर कुछ पैसा मिला हो, अपना सपना मनी मनी, तो दोस्तों अगर पैसा मिला है, पैसा तो पैसा भी जोड़ दो, कंसिडरेशन भी जोड़ दो, पैसा नहीं मिला है तो केवल स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। चलो इसके बाद कैपिटल असेट का मतलब पता ही है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल असेट होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, याद रखना, वो अगर शेयर को एज ए स्टॉक भी रखेंगे ना, तो वो भी कैपिटल असेट है। वैसे स्टॉक इज नॉट ए कैपिटल असेट, अभी मैं आपको एक्सक्लूजन लिस्ट में दिखा दूंगा, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं ना दोस्तों, उनके लिए भले ही शेयर एज अ स्टॉक पड़े हों, उन्हें कैपिटल असेट माना जाता है। इसके अलावा जो यूलिप पॉलिसी होती है, यूलिप पॉलिसी जिसमें यूनिट्स जारी किए गए हैं 1 फरवरी 2021 के बाद, जहां पर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा था पॉलिसी का इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, और एग्रीगेट प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा था,
तो वो जो यूनिट्स 1 फरवरी 2021 या उसके बाद जारी हुए हैं उन्हें भी कैपिटल असेट माना जाएगा और उनको सेल करने पर कैपिटल गेन अराइज होगा। दोस्तों कौन कौन सी चीजें कैपिटल असेट नहीं होती? ओ माई गॉड, स्टॉक इज नॉट ए कैपिटल असेट। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन याद रखना भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दोस्तों अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो अगर शेयर्स को अपने स्टॉक के रूप में भी रखते हैं तो भी वो कैपिटल असेट माना जाता है। पर्सनल इफेक्ट्स ऑलवेज इज नॉट अ कैपिटल असेट, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन याद रखना। सुंदर सुंदर ज्वेलरी है, नौलखा हार है, कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कोई पुराने स्कल्पचर्स वगैरह हैं, तो भाई साहब कैपिटल असेट माना जाएगा। अगर आपकी गांव में ध्यान रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना इंडिया में, कहीं पर भी तो उसको कैपिटल असेट नहीं माना जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड अर्बन क्या कब होती है ये बता रखा है, तो इसका मतलब जब अर्बन नहीं होगी तो फिर रूरल होगी। अच्छा, अर्बन कब मानते हैं? जब कोई भी एग्रीकल्चर लैंड किसी ऐसे एरिया में लोकेटेड हो जो म्युनिसिपैलिटी का ज्यूरिडिक्शन हो, जो कंटेनमेंट बोर्ड का ज्यूरिडिक्शन हो, जहां का पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है। पॉपुलेशन किससे कम नहीं है भाई साहब? 10,000 से कम नहीं है, तो वहां जो जमीन होगी वो अर्बन मानी जाएगी। या अगर आपका जो जमीन है एग्रीकल्चर लैंड, वो अगर मान लीजिए भाई म्युनिसिपल लिमिट से दूर है, लेकिन उस एरिया का पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज़्यादा है, तो लिमिट के बाहर 2 किलोमीटर तक भी अर्बन होता है। पॉपुलेशन अगर 1,00,000 से ज़्यादा होती है जिस एरिया में म्युनिसिपलिटी बोर्ड है, तो जहाँ पर वो म्युनिसिपलिटी लिमिट ख़त्म होती है वहाँ पर दोस्तों अप टू छः किलोमीटर तक का जो ज़मीन होता है उसको भी अर्बन ही माना जाता है। और अगर आप किसी ऐसी म्युनिसिपलिटी एरिया की बात कर रहे हो जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई, जहाँ का पॉपुलेशन 1,00,000 से ज़्यादा है, तो जहाँ पर म्युनिसिपलिटी लिमिट ख़त्म होती है दोस्तों, वहाँ से 8 किलोमीटर तक की जो रेंज है, रेडियस जो है 8 किलोमीटर तक का, उसके अंदर जितनी भी ज़मीनें पाई जाएंगी भाई साहब, वो सारी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन मानी जाएगी। अच्छा बताओ, जब उसको अर्बन मानी जाएगी तो अर्बन तो कैपिटल गेन के एम्बिट में आती है, क्योंकि अर्बन तो कैपिटल असेट होती है। तो ये बात ध्यान रखो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ये भी कैपिटल असेट नहीं होते हैं। ओके, स्पेशल बियरर बॉन्ड भी कैपिटल असेट नहीं होते हैं भाई, ध्यान रखो इस बात का। चलो जी, चलो पिछले पेपर पर दिमाग मत लगाओ, पिछला पेपर कैसा चला गया छोड़ो उसको, अगले पेपर की तैयारी करो टैक्स की, वरना इसका इफेक्ट अगले पेपर पर कन्फर्म होता है दोस्तों। प्रॉपर्टी, ओहो, कैपिटल असेट का मतलब प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या क्या होता है? प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी, इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी में राइट्स भी आते हैं इंडियन कंपनी के। अगर आपके पास राइट्स हैं, आपने राइट्स परचेज कर रखे हैं, तो दोस्तों राइट्स को भी यहां पर कैपिटल असेट माना जाएगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो तरह की होती है ना असेट। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पर, या वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो वहां पर 12 महीने का पीरियड होता है। अगर वो 12 महीने से ज्यादा का पीरियड नहीं है तो हम उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 12 महीने के बराबर है, कम है, तो हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, अब शेयर चाहे प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, की फर्क पैदा है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, बशर्ते कि वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि लिस्टेड शेयर तो ऊपर 12 महीने में आ ही जाएंगे। अगर शेयर लिस्टेड नहीं है तो भाई साहब 24 महीना देखना है, 24 मंथ्स, 24 महीना, राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग अगर आपके पास है तो वहां भी 24 महीना ही देखना है, और बाकी जितनी भी कैपिटल असेट बच जाती है दोस्तों वहां पर 36 मंथ्स देखना है। तो कभी 12 मंथ्स है, कभी 24 मंथ्स है, कभी 36 मंथ्स है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग में 24 है,
लिस्टेड पर 12 हैं, शेयर अनलिस्टेड होंगे तो 24 हैं, बाकी सब पर 36 है। अगर असेट इसके बराबर या इससे कम आपके पास रही है तो आप उसको शॉर्ट टर्म बोलो, इससे ज़्यादा रही है तो भाई साहब लॉन्ग टर्म बोलो। अच्छा, जब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग को कंप्यूट करते हो, दोस्तों जब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग को कंप्यूट करते हो तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते हो ना, इसमें डेट ऑफ परचेज तो इंक्लूड होता है, लेकिन दोस्तों इसमें डेट ऑफ ट्रांसफर इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले वाले दिन तक का ही देखना है, राइट। अच्छा, जो असेट, ये स्वच्छ भारत अभियान वाला आ गया भाई साहब, आवाज जा रही होगी स्वच्छ भारत की, देश से अपना वादा और कचरे वाला आया गाड़ी, कचरा निकाल। चलो ध्यान से सुनो, जो शॉर्ट टर्म असेट नहीं है भाई साहब वो लॉन्ग टर्म होती है, जो असेट शॉर्ट टर्म नहीं है वो सारी क्या होती है जी, लॉन्ग टर्म होती है, पता ही है आपको, वेरी सिंपल। ओहो, सेक्शन 47 दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 47 में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब अगर आपने असेट दे भी दिया है किसी को तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर, सेक्शन 47 है इसका। अगर असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, HUF ने अपने मेंबर्स में असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो भाई साहब हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर कोई असेट गिफ्ट में दी गई है, विल मतलब वसीयत के थ्रू दी गई है, या इररिवोकेबल ट्रस्ट के माध्यम से दी गई है, तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर। होल्डिंग कंपनी अगर अपनी असेट किसी इंडियन कंपनी जो सब्सिडरी है उसकी, होल्डिंग सब्सिडरी को दे दे या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को दे दे, तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर। बस एक बात ध्यान रखना, होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर होने चाहिए, वैसे तो 51 पर भी बन जाती है, लेकिन अगर आपको ट्रांसफर से बचना है, अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स से बचना है, तो दिस इज अ कंडीशन कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के 100% क्या होने चाहिए, शेयर। और जो ट्रांसफरी कंपनी है ना, ट्रांसफरी मतलब जो बायर कंपनी है, उस बायर कंपनी का इंडियन कंपनी होना जरूरी है, जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो बायर कंपनी है, जो रिसीविंग कंपनी है, उसका इंडियन होना जरूरी है। अच्छा, रिजल्टिंग कंपनी को, अगर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर को अगर शेयर्स मिले हैं, जब डीमर्जर होता है दोस्तों, तो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिलते हैं, तो इट इज़ नॉट ए ट्रांसफर, इट इज़ नॉट ए ट्रांसफर। और एक बात और बताऊं, जो डीमर्ज कंपनी होती है ना, उसकी असेट्स रिजल्टिंग कंपनी के पास चली जाती है, तो जब वो असेट वहां जाएगी तो इट इज़ नॉट ए ट्रांसफर दोस्तों, उसे भी हम किसी भी कंडीशन में ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एनी ट्रांसफर बाई अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन, दोस्तों जब जब अमलगमेशन होता है तो अमलगमेटिंग जो कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर्स को, अमलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर दिए जाते हैं, और इट इज नॉट ए ट्रांसफर दोस्तों, ये भी ट्रांसफर नहीं है। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाई RBI, जब RBI जारी करेगा गोल्ड बॉन्ड तो इट इज नॉट ए ट्रांसफर। जब जब कन्वर्जन होगा, अरे जब जब धरती पर पाप नहीं बढ़ेगा, जब जब कन्वर्जन होगा बॉन्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक सर्टिफिकेट को अगर शेयर या डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसे कन्वर्जन को हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर आपके पास किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, प्रेफरेंस, और उन प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो जो प्रेफरेंस शेयर हैं भाई साहब उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर माय डियर फ्रेंड। तो जब जब प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लो। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मोर्गेज स्कीम, ये एक रिवर्स मोर्गेज स्कीम होती है, ये दोस्तों एक रिवर्स मोर्गेज स्कीम होती है जिसके अंदर जो वृद्ध लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन वाले लोग होते हैं, वो अपनी असेट किसी को देते हैं, मतलब बैंक को देते हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देते हैं, लेकिन उसमें उनको पैसा मिलता है हर महीने के हिसाब से, बट इट इज नॉट ए ट्रांसफर दोस्तों, उसे यहाँ पर ट्रांसफर नहीं माना जाता है, उसे यहाँ पर ट्रांसफर नहीं माना जाता है। कंप्यूटेशन कैसे होता है, वेरी सिंपल, सेक्शन 48 है यहाँ पर, सेक्शन 48 आपके सामने है, सेक्शन 48 आप रीतम बताओ, तो
सेक्शन 48 यहां पर आपके पास है भाई। सेक्शन 48 है मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। दोस्तों फॉर्मेट बहुत सिंपल है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको लिखना पड़ता है सबसे पहले। जैसे ही कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा, अगर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप लिखोगे, उसमें से ट्रांसफर का खर्चा आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना। ट्रांसफर का खर्चा माइनस कर देना, ब्रोकरेज वगैरह जो भी लगी है, ठीक है। एसटीटी भाई साहब, अगर शेयर बेचे हैं लिस्टेड, एसटीटी लगा है, एसटीटी कभी माइनस मत करना, ध्यान से सुन लो। अच्छा, नेट सेल कंसिडरेशन आएगा, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी माइनस कर दो और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी माइनस कर दो, लेकिन इंडेक्स करने के बाद। ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप माइनस करोगे ना, इसको इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स कैसे करते हैं अभी मैं बता दूंगा। एग्जम्पशंस 54 वाली जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स पर मिलती है उन्हें भी माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म गेन आ जाएगा। लॉस आ जाए कोई बात नहीं, गेन आ जाए टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स करना बहुत ईजी है, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है लिखो, जिस ईयर में खरीदा था आपने असेट को पहली बार, या 2001 2002 का इंडेक्स, विच एवर इज लेटर। लेटर क्यों है पता है ना आपको, क्योंकि इंडेक्स की शुरुआत 2001-2 से हुई थी। जिस ईयर में असेट को ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करना है, बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिख लो इनटू जिस ईयर में असेट ट्रांसफर हो रहा है उस ईयर के इंडेक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट करवाया गया है, जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट करवाया गया है। अच्छा दोस्तों, ये जो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन होता है ना, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, इट वुड नॉट बी अवेलेबल। ये बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन आपको कब नहीं मिलेगा, जब बॉन्ड और डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया गया है। जब किसको ट्रांसफर किया गया है भाई, बॉन्ड और डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया गया है। अच्छा, बॉन्ड डिबेंचर अगर लॉन्ग टर्म भी होते हैं ना, तो उस पर इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। हाँ, अगर वो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है जो सरकार जारी करती है, जो आरबीआई जारी करता है, तो आपको इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों ध्यान से सुन लो, बॉन्ड और डिबेंचर पर इंडेक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पर भी यही सेम फॉर्मेट होता है भाई। बस इतना सा ध्यान रखना कि सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको यहां पर माइनस करना पड़ता है भाई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट आपको यहां पर माइनस करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी एग्जम्पशंस होती हैं सेक्शन 54 वाली इन रिलेशन टू शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, वो आप यहां पर माइनस कर सकते हो। इससे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, डेप्रिशिएबल असेट होने पर ऑलवेज शॉर्ट टर्म नेचर का ही कैपिटल गेन होता है, उस पर लॉन्ग टर्म नहीं होता है, पता है ना आपको, पीरियड नहीं निकालना है। अच्छा दोस्तों, उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है। वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखो, माइनस ब्लॉक की ओपनिंग WDV, माइनस उस ब्लॉक में जो असेट खरीदी है वो, ठीक है भाई साहब, वो आप माइनस करो। ट्रांसफर का खर्चा है माइनस करो, राइट। इंडेक्स मत करना, जो डेप्रिशिएबल असेट है वहां पर नेचर ऑलवेज क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म। सेक्शन 50B में स्लम सेल, ये स्लम सेल क्या होती है भाई, स्लम सेल का मतलब होता है जब हम पूरी की पूरी यूनिट बेच देते हैं, हम पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को बेच देते हैं, हमको खुद को होश नहीं है भाई साहब, उसमें बिल्डिंग कितने की है, उसमें लैंड कितने की है, उसमें मशीन कितने की है, उसमें फर्नीचर कितने का है, हमने तो 2 करोड़ में सल्टा दिया भाई साहब, पूरा सेटअप सल्टा दिया, तो दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। अच्छा दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम सेल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। अच्छा, ये जो स्लम सेल होती है भाई, इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसमें आप कैसे देखोगे कि भाई वो लॉन्ग टर्म है या वो शॉर्ट टर्म है, ये आप कैसे देखोगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो यूनिट है, वो जो अंडरटेकिंग है, उसकी लाइफ कितनी पुरानी है। अगर वो यूनिट या वो अंडरटेकिंग आपकी 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए है, अगर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म बोलना, और अगर वो 36 मंथ से कम है उस पूरी यूनिट का जो लाइफ है या जो आपके पास होल्डिंग है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म बोलना, राइट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक एक असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करते हैं, हमको यहाँ पर दोस्तों नेटवर्थ माइनस करनी पड़ती है, नेटवर्थ। अच्छा, नेटवर्थ जो आप निकालोगे उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आ गया,
दोस्तों उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आ गया। ये जो नेटवर्थ होती है इसे निकालते समय आपको कैसे निकालते हैं, इसमें आपको नेटवर्थ निकालने का तरीका होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स लेते हैं। सर टोटल असेट्स का वैल्यू कैसे लेते हैं, वेरी सिंपल। अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो डेप्रिशिएबल में क्या करना पड़ता है, डेप्रिशिएबल में आपको जो ब्लॉक होता है ना उसका WDV लेना पड़ता है, जो ब्लॉक होता है उसका WDV लेना पड़ता है। अगर गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड है, तो उसका कॉस्ट आपको निल लेना पड़ता है। अगर कोई ऐसी असेट है जिसका सेक्शन 35AD में पता है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस PGBP में पढ़ा था, जहां पर आपको 100% पहले ही क्या मिल गया है, डिप्रिसिएशन, तो उसका कॉस्ट आपको निल लिखना पड़ेगा। और जो अदर असेट्स हैं उनका बुक वैल्यू लिखो, जैसे डेटर्स हैं, कैश है, ठीक है, इनका बुक वैल्यू लिखो। तो ये जो टोटल है ना ये कहलाएगा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी असेट का रिवैल्यूएशन किया हुआ है, रिवैल्यूएशन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वहां पर अगर ये रूल्स आपको याद हो गए ना आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। देखो आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया है, थोड़ा बहुत किया है, तो कम से कम अगर आपको लॉ याद है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई टेंशन वाला बात है ही नहीं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, अगर क्वेश्चन में असेट्स का रिवैल्यूएशन हो रखा है तो भाई साहब नेटवर्थ निकालते समय उस रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को आपको इग्नोर करना है। जैसे बिल्डिंग 10 लाख की है, रिवैल्यूएशन के बाद 12 लाख है, तो आपको बिल्डिंग का जो वैल्यू लेना है वो 10 लाख ही लेना है, राइट। इसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनो, जब जब आप लैंड और बिल्डिंग को बेच देते हो, लैंड और बिल्डिंग को, तो जब जब आप यहां पर लैंड और बिल्डिंग को बेचोगे तो 50C लगेगा। 50C जो सेक्शन है ना, 50C वो बेसिकली कब काम करता है, 50C कब काम करता है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेक्शन 50C कैपिटल गेन निकालने का सेक्शन है ही नहीं वो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को निकालने का सेक्शन है, और कैपिटल गेन निकालते समय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके बहुत काम आता है। तो यहां पर जब आप लैंड और बिल्डिंग को बेचते हो ना, तो उसका कैपिटल गेन जब आप निकालोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर वो एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल कंसीडरेशन से क्या है, ज़्यादा है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसीडरेशन से ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है भाई साहब कि हमने एक्चुअल के 110% को निकाल लिया, उससे भी ज़्यादा है, 110% करने के बाद भी अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, तो भाई साहब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन किसको मानना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को। इसके ऊपर एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपका कम है दोस्तों, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपका कम है, 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से कम है या बराबर है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, फिर असेसी की मान लो भाई, जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है ना उसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लो। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा ध्यान से सुनो, अगर एक्चुअल कंसीडरेशन ही ज़्यादा है तब तो वही बनेगा। अच्छा कभी कभी वैल्यूएशन ऑफिसर भी वैल्यू निकालता है किसी एसेट की, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, अभी तक साइन मैच नहीं है, हाँ हाँ कराओ, हाँ बताइए, हाँ बताइए मैडम, यही साइन है, क्या दिक्कत है, पुराने वो बहुत पुरानी पॉलिसी है ना, तो डिफर हो गए होंगे, उसमें क्या बात है, करा दो यार, तुमने कल भी लौटा दिया इसको, लेटर लाओ और वो लाओ और फोटो लगाओ, फोटो का जबकि उसमें कहीं कॉलम ही नहीं है, तुम फोटो लगवा रहे हो, तुम्हारे फॉर्म में फोटो का कॉलम ही नहीं है, जबरदस्ती फोटो लगवा रहे हो उसके ऊपर, अब सिग्नेचर मिस मैच बता रहे हो, कल कह रहे हो फोटो लगाओ जबकि फोटो का कॉलम ही नहीं है, तुम दे दो यार वापस, क्लेम ही नहीं चाहिए हमारे को, तो वापस दे, वैल्यू असर्टेन्ड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर
अगर वो ज़्यादा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से तो आप यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बनाओगे। अगर वैल्यू असरटेंड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर लेस देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है तो वैल्यू असरटेंड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो कहने का मतलब है भाई, कभी कभी वैल्यूएशन ऑफिसर का भी वैल्यू दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर वो वैल्यू, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज़्यादा निकाल दिया, ओ माई गॉड, मतलब असेसी की क्या तुम बैंड बजाने वाले हो भाई साहब? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मानना पड़ेगा? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही मानना पड़ेगा। अगर वैल्यू असरटेंड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर कम है, अगर वैल्यू असरटेंड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर कम है, किससे कम है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू असरटेंड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर है, जो वैल्यू असरटेंड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर है, उसे हम यहाँ पर बेस बना लेंगे, उसे हम यहाँ पर बेस बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा उसे ही बेस बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा जो आप लोगों के एग्जाम में आता भी है, बहुत बार आता है। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, दोस्तों अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट आपका डिफरेंट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर डिफरेंट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, एग्रीमेंट वाला दिन अलग है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला दिन अलग है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्वेश्चन में दो दो दे रखी, अब कौन सी वाली लें? तो लॉ कहता है आप एक काम करो भाई, लॉ ये कहता है आप एक काम करो, स्टाम्प ड्यूटी जो वैल्यू है ना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, वो आप एग्रीमेंट वाले दिन की पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट वाले दिन की पकड़ लो, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आप यहाँ पर एग्रीमेंट वाले दिन की पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको कंसीडरेशन मिल चुका हो, या तो होल मिल गया हो या पार्ट मिल गया हो। 10 लाख की असेट है, अगर आपको 10 रुपये भी मिल गए हैं, लेकिन वो मिले किससे हो? अकाउंट पे ही चेक से मिले हो, बैंक ड्राफ्ट से मिले हो, ECS से मिले हो, और कब मिले हो भाई? जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है उस वाले दिन या उससे पहले मिले हो। तो भाई अगर आपको पैसा किसी ने एडवांस में दिया है तभी तो हम मानेंगे कि आपका एग्रीमेंट हुआ था, वरना लोग बैंक डेट में एग्रीमेंट कर लेंगे। तो लॉ ने कहा कि अगर पैसा इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला है, अकाउंट पे ही चेक से मिला है, और एग्रीमेंट वाले दिन या उससे पहले मिल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्रीमेंट वाले दिन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, जो एग्रीमेंट वाले दिन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, उसे आप यहाँ पर बेस बना लो, उसे आप यहाँ पर क्या बना लो? बेस बना लो, उसे आप यहाँ पर बेस बना लो, कोई यहाँ पर टेंशन वाली या चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना? उसमें कोई चिंता वाली या टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंसीडरेशन जो है ना, किसी भी असेट्स का, इसमें नाम नहीं लिया, इसमें अनलिस्टेड शेयर का नाम लिया है, अनलिस्टेड शेयर। लिस्टेड में तो क्या है दोस्तों, दिक्कत नहीं होती है। जो हमारे बेसिकली अनलिस्टेड शेयर होते हैं, जब उनको बेचा जाता है ना, तो उनकी जो सेल प्राइस होती है, उस सेल प्राइस को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होती है। तो लॉ कहता है कि ये जो अनलिस्टेड शेयर होते हैं, ये जो अनलिस्टेड शेयर होते हैं फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर। तो अनलिस्टेड शेयर के केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है, उस फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? अगर आपको, जैसे मान लो कोई ऑफिसर है, उसको लगता है कि अनलिस्टेड शेयर बेचा गया है ना, और उसका प्राइस, सेल प्राइस बहुत कम दिखा रखा है, बहुत कम, फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम, तो यहाँ पावर दिया गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जा सकता है, राइट? ये वाली बात है। अच्छा, अगर कोई अदर असेट्स भी है, अब की बार शेयर की बात नहीं हो रही है, अगर कोई अदर असेट्स भी है दोस्तों, और वो जो अदर असेट है उसको बेचा गया, लेकिन उसका कंसीडरेशन असर्टेनेबल ही नहीं है, या उसको असर्टेन करने में प्रॉब्लम आ रही है ऑफिसर को, तो लॉ में पावर दिया गया है कि भाई जो उस असेट का फेयर मार्केट वैल्यू है, वो जो असेट है ना, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उस फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। दोस्तों उसे ही यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ जो कंसीडरेशन है वो हम यहाँ पर मान लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
फेयर मार्केट वैल्यू को। चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन 51 है, एडवांस मनी फॉरफिट का है, एग्जाम में कई बार आता है। अगर आपके क्वेश्चन में एडवांस मनी को फॉरफिट करना बताया गया है और वो एडवांस मनी 31 मार्च 2014 या उससे पहले फॉरफिट हो चुका है, दोस्तों अगर एडवांस मनी का जो फॉरफिटेड होता है वो 31 मार्च 2014 या उससे पहले हो चुका है, तो ऐसी एडवांस मनी जो फॉरफिट कर ली गई है 31 मार्च 2014 से पहले, उसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉस्ट कम हो जाती है एंड योर कैपिटल गेन विल इंक्रीज। ठीक है, अच्छा इंडेक्सेशन जो आप करोगे कॉस्ट को, अगर लॉन्ग टर्म असेट है तो पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो एडवांस मनी फॉरफिटेड अमाउंट है उसको आप सबसे पहले माइनस करोगे। जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एडवांस मनी फॉरफिटेड अमाउंट को माइनस कर देते हो तो जो बचा हुआ कॉस्ट होता है उस बचे हुए कॉस्ट को यहाँ पर इंडेक्स किया जाता है, राइट। अच्छा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एडवांस मनी फॉरफिटेड 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद हुआ है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तो ऐसी फॉरफिटेड मनी भाई साहब कॉस्ट में से माइनस मत करना। ये जो एडवांस मनी फॉरफिट है ना, इसको कॉस्ट में से माइनस मत करना, बल्कि ये जिस ईयर में एडवांस मनी फॉरफिट हुई है ना, जिस ईयर में एडवांस मनी को यहाँ पर फॉरफिट किया गया है, उस ईयर में आप उसको टैक्सेबल कर देना एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप उसको टैक्सेबल कर दो एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो ये बाद में कॉस्ट में से हटाने वाला नाटक खत्म हो जाता है अगर वो 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद है तो, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों टैक्सेशन की, टैक्स कैसे लगता है कैपिटल गेन पर। आपको पता है ना स्पेशल टैक्स रेट होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास इक्विटी शेयर हैं या आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स हैं, और आजकल वो यूलिप वाले यूनिट्स भी जुड़ गए हैं यहाँ पर, अगर 1 फरवरी 2021 के बाद यूनिट्स बेचे गए हैं, यूलिप पॉलिसी की मेच्योरिटी हुई है, बशर्ते कि उसका पैसा एग्जम्प्ट ना हो। अच्छा एग्जम्प्ट कब नहीं होता, जब प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा होता है। तो इक्विटी शेयर आ गए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स आ गई, और वो जो यूलिप वाले पॉलिसी हैं उसकी बात आ रही है। यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म, तो यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। इट इज़ अ फ्लैट रेट दोस्तों, इट इज़ नॉट अ स्लैब रेट, इट इज़ अ फ्लैट रेट। लेकिन दोस्तों अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF हो तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, जैसे 2.5 लाख होती है, कुछ लोगों के लिए 3 लाख होती है, कुछ लोगों के लिए 5 लाख होती है, वो बेनिफिट आपको इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से मिलेगा। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दूसरी इनकम से एडजस्ट होने के बाद भी एग्जॉस्ट नहीं हो पा रही है, आपको पूरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का अगर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको इस वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हो। एंड बैलेंस जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, इट शुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। दोस्तों उसके ऊपर 15% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा, राइट। अच्छा दोस्तों ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पर रेट 15% लगा रहे हो आप, इस कैपिटल गेन में से आपको चैप्टर 6A वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A वाले डिडक्शंस कौन होते हैं, ATC से लेकर और ATU तक के, ये जो डिडक्शंस होते हैं ना दोस्तों, इनको हम बोलते हैं चैप्टर 6A वाले डिडक्शंस। तो ये डिडक्शंस आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन में से नहीं मिलने वाले हैं। अच्छा शॉर्ट टर्म गेन अगर फॉरेन करेंसी में हुआ है किसी ट्रांजेक्शन से, ठीक है भाई, तो वहाँ पर भी रेट 15% लगेगी। ये आप याद रखो या मत रखो, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला। अब आ जाओ सेक्शन 112 पर भाई साहब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई सा भी हो अदर देन 112A, अभी 112A वाला क्या है वो मैं बता दूंगा। किसी भी असेट से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अच्छा अदर असेट्स पर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जो 111A में नहीं आया, अदर असेट्स पर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहाँ पर लगती है स्लैब रेट। दोस्तों वहाँ पर लग जाती है स्लैब रेट, वहाँ पर स्लैब रेट लगेगी, है ना, वहाँ पर फ्लैट रेट ना लग के स्लैब रेट लगती है। ये बात ध्यान रखना कि वहाँ पर फ्लैट रेट ना लग के स्लैब रेट लगती है, ठीक है, अदर शॉर्ट टर्म गेन पर। अच्छा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A,
उस पर जो टैक्स का रेट है वो 20% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म गेन अंडर 112A उस पर आपको 20% टैक्स लगाना है, ठीक है। लेकिन जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, जो HUF हैं भाई, वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से यहाँ भी आपको बेसिक लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ भी मिल जाएगा। आप बेसिक लिमिट का एडजस्टमेंट करो, बट यू हैव टू पे 20% टैक्स, 20%। हाँ, जो नॉन कॉरपोरेट होते हैं, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनीज, उनको यहाँ पर केवल 10% से टैक्स देना पड़ता है, 20 की जगह कौन सा रेट लगेगा, 10%, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द इंडेक्सेशन प्रोविजंस। इंडेक्सेशन प्रोविजन को भूल जाओ, 10% टैक्स लगेगा, राइट। 112A में कौन सा लॉन्ग टर्म गेन आता है, 112A में आता है भाई साहब इक्विटी शेयर से, जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स हैं वो, इसमें वो यूलिप वाली पॉलिसीज भी आ गई हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आप 111A में पढ़े थे ना, वही चीज़ 112A में है, बस फर्क ये है कि यहाँ शॉर्ट टर्म था और यहाँ लॉन्ग टर्म है। अच्छा, जब लॉन्ग टर्म गेन निकलेगा तो कैपिटल गेन पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, जैसे शॉर्ट टर्म में तो आपको पूरे पर 15% है, यहाँ पर भाई साहब 1,00,000 से जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लो कैपिटल गेन 1,10,000 आया, तो पूरे 1,10,000 पर नहीं लगेगा, 1,10,000 में से 1,00,000 पहले माइनस कर दो, ये 1,00,000 दोस्तों पहले माइनस कर दो, और जो 10,000 है भाई, उस 10,000 के ऊपर आप क्या लगा दो, टैक्स लगा दो। बाकी का जो दस हज़ार है उसके ऊपर आप लोग क्या लगा दो भाई साहब, टैक्स लगा दो। एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स, द रेट ऑफ टैक्स इज 10%। तो जो एक्सेस पार्ट है भाई, उसके ऊपर 10% की रेट से क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF शैल बी रिड्यूस बाई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। रिबेट नहीं मिलेगी, कोई भी चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगे आपको ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं इन एक्सेस ऑफ 1,00,000, इट शुड बी लाइबल फॉर टैक्स, ये मैंने पढ़ाई दी आपको। तो फिर से सुन लो, अगर 111A में शॉर्ट टर्म गेन है तो 15% रेट है, फ्लैट रेट है, अदर शॉर्ट टर्म गेन पर स्लैब रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर लिस्टेड शेयर से हैं, यूनिट से हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को बेसिकली 112A सेक्शन लगेगा, 1,00,000 से ज़्यादा होने पर ही टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। अदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं वहाँ पर फ्लैट रेट लगेगी 20%, ठीक है, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुन लो, अगर कोई गुडविल है, प्रोफेशनल गुडविल, बिजनेस की गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, सेल्फ जनरेटेड है, तो कॉस्ट उसकी निल होती है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो यहाँ पर दोस्तों निल मानी जाती है, निल, ठीक है। अगर ये चीज़ें खरीदी गई है फ्रॉम दी प्रीवियस ओनर, अगर ये सारी चीज़ें प्रीवियस ओनर से खरीदी गई है, तो भाई प्रीवियस ओनर ने कितने में खरीदा था, वो जो परचेज प्राइस है, दैट शुड बी द कॉस्ट। अच्छा दोस्तों, एक अमेंडमेंट आया है गुडविल के बारे में, जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे कि प्रोफेशनल गुडविल ही टैक्सेबल होती है, ऐसा नहीं है। गुडविल चाहे बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, अगर आप उसके ऊपर सेक्शन 32 में क्या ले रहे थे, डेप्रिसिएशन, आपने उस पर सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन लिया था अप टू प्रीवियस ईयर 19-20, तो वो गुडविल जब भी बेची जाएगी उसका कैपिटल गेन निकलेगा, क्योंकि वो डेप्रिशिएबल हो गई, और डेप्रिशिएबल के अंदर क्या होता है भाई, जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं तो ब्लॉक की WDV लेते हैं, परचेज प्राइस रिड्यूस बाय डेप्रिशिएशन, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल गुडविल हो या बिजनेस गुडविल हो, अगर वो डेप्रिशिएबल है तो उसकी कॉस्ट डेप्रिशिएशन को हटाने के बाद निकाली जाती है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप लोग बिल्कुल सोच समझ के। बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले मिले हैं, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी 1/4/2001 की, वही कॉस्ट मानी जाएगी, क्योंकि वैसे उनकी परचेज प्राइस तो ज़ीरो होती है। लेकिन अगर बोनस शेयर आपको मिले हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, अगर बोनस शेयर आपको अलॉट हुए हैं 1/4/2001 या उसके बाद में, तो ऐसे बोनस शेयर की जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, उसको निल माना जाता है,
उसकी जो कॉस्ट है वो निल होती है बिल्कुल, क्योंकि परचेज प्राइस जीरो होती है। लेकिन अगर बोनस शेयर अलॉट हो गए थे बिफोर 1 फरवरी 2018, अगर बोनस शेयर आपको 1 फरवरी 2018 से पहले अलॉट हो गए थे और उन पर STT भी लगा है बेचते समय, तो उनकी कॉस्ट कुछ स्पेशल तरीके से निकलेगी। ये स्पेशल तरीका आप जानते भी हो, हायर लेना पड़ता है और इसमें उस बोनस शेयर का कॉस्ट लिखना पड़ता है, एक्चुअल कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होगा, अगर वो 1/4/2001 या उसके बाद में है तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी निल है, पहले के हैं 1/4/2001 से पहले के तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो हम लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, उस बोनस शेयर की 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ो, कितने में बेचा है एक्चुअल सेन कंसिडरेशन पकड़ो, इन दोनों में से तो ले लो लोअर, इन दोनों में से तो लो लोअर, और इस लोअर को 0.1 में जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे कंपेयर करो और ले लो भाई साहब हायर। तो पहले लोअर निकालना पड़ेगा, उस लोअर को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके हायर निकालना पड़ेगा, दैट शुड बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट शेयर में क्या होता है, जो ओरिजिनल राइट शेयर होते हैं जो आपने कंपनी से खरीदे हैं, तो जितना पैसा आपने दिया है ना कंपनी को, वही उसकी कॉस्ट होती है दोस्तों। अगर राइट शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं बाई द असेसी, तो अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द राइट शेयर, तो राइट शेयर खरीदने में जो भी पैसा लगाया है उसे हम कॉस्ट मानेंगे। राइट का जो इंटाइटलमेंट होता है वो आपको फ्री में मिलता है, क्योंकि जो राइट का इंटाइटलमेंट है भाई, उसका कॉस्ट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि उसमें उसके कभी भी पैसे नहीं लगते हैं तो जो राइट इंटाइटलमेंट है भाई साहब, वहाँ पर इंटाइटलमेंट की जो कॉस्ट है उसको निल माना जाएगा। जो राइट इंटाइटलमेंट है उसकी कॉस्ट हमेशा क्या मानी जाती है, निल। अच्छा, जिसने आपका राइट खरीद लिया, जिसने आपका जो राइट है वो खरीद लिया है अगर, तो उसके लिए राइट शेयर की कॉस्ट क्या होगी, एक तो कंपनी को जितने पैसे देगा वो, प्लस राइट खरीदने में जितना पैसा लगा वो, इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे ना, वो यहाँ कॉस्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, अगर दोस्तों आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और यू कैन से इट इज़ इक्विटी शेयर्स, अगर आपके पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर हैं जिन पर STT लगा है, या आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, ठीक है भाई साहब, तो उनकी कॉस्ट कैसे निकलती है, बशर्ते कि उनको 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल गेन 112A में निकलेगा, पता ही आपको, लेकिन कॉस्ट क्या लोगे, अभी आपने पढ़ा था ऊपर, वही सेम है कि उन शेयर्स की या यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख लो, 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू लिख लो, जितने में बेचा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख लो। तो इन दोनों में से तो कर लो भाई साहब लोअर, अच्छा उस लोअर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करो और इन दोनों में से पकड़ लो भाई साहब हायर। ये जो हायर आएगा ना, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे। अच्छा, बाकी का जो कैपिटल असेट बच गया है ना, अगर वो 1/4/2001 से पहले की असेट है, बाकी का जितना भी कैपिटल असेट आपका बच गया है, एनी अदर कैपिटल असेट आपकी बच जाती है भाई, जो कि 1/4/2001 से पहले की है, तो उसके लिए हम किसको पकड़ लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को 1/4/2001 की, और एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में से ज़्यादा क्या है, उसको पकड़ेंगे। लेकिन लैंड और बिल्डिंग के जितने भी क्वेश्चन है ना भाई साहब, वहाँ ध्यान रखना कि आप 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू तो ले लेना, लेकिन 1/4/2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू आप बेस बनाते हो लैंड बिल्डिंग के केस में, वो 1/4/2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू में से जो कम है उसको बेस बनाओगे आप, और कंपेयर करोगे एक्चुअल कॉस्ट से, विच एवर इज हायर, राइट। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आपको गिफ्ट में मिली है, विल के थ्रू मिली है, लिक्विडिएशन पर मिली है, वही सेक्शन 47 वाले केस, तो वहाँ पर प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को बेस बनाना है। अच्छा, 1/4/2001 से पहले है तो फेयर मार्केट वैल्यू को भी बेस बनाएंगे, हायर देखेंगे दोनों में से, ऑप्शन होता है तो हायर ही लेंगे ऑप्शन। लेकिन अगर लैंड बिल्डिंग का मैटर है तो 1/4/2001 की
फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर जरूर करना है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कि कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर्टी अगर प्रीवियस ओनर को से आपको मिली थी एंड उसकी कॉस्ट निकालने में दिक्कत आ रही है, तो प्रीवियस ओनर को वो जब मिली थी प्रॉपर्टी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, दोस्तों उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, दैट वुड बिकम द कॉस्ट। उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है जब प्रीवियस ओनर को असेट मिली थी, दैट वुड बिकम द कॉस्ट, उसको कॉस्ट मानते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है कैपिटल नेचर का खर्चा। किसी भी असेट को खरीदने के बाद जब आप कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हो ना, तो वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन जो बिजनेस गुडविल होती है, बिजनेस गुडविल या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कोई भी राइट होता है, तो उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल माना जाता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से पहले का है तो इट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। केवल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 या उसके बाद का है तो ही कंसिडर होगा, चाहे वो प्रेजेंट ओनर ने किया हो चाहे उसको प्रीवियस ओनर ने किया हो। लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा 1/4/2001 या उसके बाद का ही, या उसके बाद का ही दोस्तों कंसीडर होता है, उससे पहले का कभी भी कंसीडर नहीं होता है, ध्यान रखना। चलो, सेक्शन 10 में कौन कौन सी एग्जम्पशंस मिलती है कैपिटल गेन में, ये भी बता देता हूँ आपको, अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो ये 1037 तो बहुत बार आता है, तो यहाँ आपको कैपिटल गेन निकालना ही नहीं है। वेयर इंडिविजुअल और HUF, देखो नाम किसका लिखा है, इंडिविजुअल और HUF का, अगर उनके पास कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि रूरल तो कैपिटल असेट वैसे भी नहीं है। टैक्सेबिलिटी की बात तब आती है जब एग्रीकल्चर लैंड अर्बन होती है, तो अगर किसी इंडिविजुअल या HUF के पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और वो इंडिविजुअल HUF उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए काम ले रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से, मतलब जिस दिन उसने ट्रांसफ़र मारा उसके पहले वाले 2 साल से वो उसको एग्रीकल्चर पर्पज में काम ले रहा है, तो भाई साहब अगर उस ज़मीन को कंपलसरी एक्वायर किया जाएगा, खुद से नहीं बेचना है, अगर उसका कंपलसरी एक्विजिशन होगा बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई द RBI, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का नाम नहीं है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI किसी भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कंपलसरीली एक्वायर करेगी जो कि किसी इंडिविजुअल या HUF के नाम है और पिछले 2 साल से वो खेती में काम आ रही है, तो जो भी कॉम्पनसेशन मिलेगा भाई साहब वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्पशन है। 1043 में ये लिखा है कि जो रिवर्स मोर्गेज स्कीम होती है, जो वृद्ध लोगों को रिवर्स मोर्गेज स्कीम में असेट्स रखनी पड़ती है बैंक में, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, तो वो पैसा दोस्तों एक तरह से लोन होता है एंड इट इज़ नॉट टैक्सेबल, उसको आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये सारा एग्जम्पशन वाला पार्ट हो गया हमारा। इसके अलावा दोस्तों देयर आर सम एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 to 54F, तो ये मैं आपको बता देता हूं। चलो भाई, हो गया, तो अभी हम बात करने वाले हैं एग्जम्पशंस के बारे में। कैपिटल गेन में बहुत सारी एग्जम्पशंस हमको मिलती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन सी एग्जम्पशंस हमको यहाँ पर मिलती हैं भाई। तो चलो जी, बात कर लेते हैं एग्जम्पशंस के बारे में, ध्यान से समझिएगा इसको, एग्जम्पशन कब और कौन सी कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 54 से लेकर और 54F के अंदर जो मिलने वाली एग्जम्पशन है वो पढ़ाऊँगा। देखो, एग्जम्पशंस तभी लेना जब कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल हो, पॉजिटिव आ रहा हो, अगर पहले से नेगेटिव है तो एग्जम्पशन लेने का आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर नाम लेंगे दैट इज़ सेक्शन 54, इसमें इंडिविजुअल और HUF का नाम आता है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 54B की,
इसके अंदर भी इंडिविजुअल और HUF का ही नाम आता है। यहां पर भी दोस्तों इंडिविजुअल और HUF का ही नाम आता है। 54D के अंदर एनी SSE का नाम आता है, कोई भी हो सकता है, फर्म, कंपनी, HUF सब आ सकते हैं। 54EC में सब आ सकते हैं, लेकिन 54 जो F है भाई साहब, वहां पर फिर से किसका नाम आया? इंडिविजुअल और HUF का। तो आप इसको ऐसे याद करो कि 54, 54B और 54F, इसमें केवल इंडिविजुअल और HUF को ही एग्जम्पशन मिलेगा, जबकि 54D और EC में कोई भी ले सकता है। असेट कौन सी ट्रांसफर होती है, पहले 54 पढ़ लेते हैं। रेजिडेंशियल हाउस अगर आपके पास है, खाली जमीन नहीं, कुछ ना कुछ बना हुआ होना चाहिए, और उसका नेचर कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एंड उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम है, शुड बी चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए। दोस्तों आपको खरीदना क्या पड़ेगा? वन रेजिडेंशियल हाउस। आपको वहां पर एक और रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, जो बेचा वो भी रेजिडेंशियल, जो खरीदा वो भी रेजिडेंशियल, और केवल इंडिया में खरीदना है। अगर आप इंडिया के बाहर खरीदोगे तो यू कैन नॉट टेक एग्जम्पशन। सर अगर दो मकान लेने पड़ जाए इंडिया में तो भी एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन दो मकान के लिए तभी मिलेगी जब आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। अगर आपका दोस्तों कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, जो आपने रेजिडेंशियल मकान बेचा है, अगर उससे आपको 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन है, तो फिर आप एक ही रेजिडेंशियल हाउस में एग्जम्पशन ले सकते हो। टाइम लिमिट होती है कि आप जिस दिन पुराना वाला बेचे हो उसके बेचने से 1 साल पहले अगर आपने खरीदा है, नॉट मोर देन 1 ईयर। कई बार होता है ना, बेचने से पहले मैं नया खरीद लेता हूँ, या बेचने के बाद अगर 2 साल में खरीदता हूँ तो भी मुझे एग्जम्पशन मिलेगी। और अगर मैं कहीं बनाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, तो ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर मेरे को नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एग्जम्पशन जब मिलती है तो जितनी आपने नया मकान में इन्वेस्टमेंट किया है, 1 या 2 व्हाटएवर द केस, और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, मतलब आपको पूरा सेल प्राइस इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जितना आपका कैपिटल गेन है बस वो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, यू कैन टेक एग्जम्पशन। अगर कम करोगे तो एग्जम्पशन कम मिलेगी, ज़्यादा करोगे तो दोस्तों कैपिटल गेन से ज़्यादा आपको एग्जम्पशन यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके बाद 54B अगर हम देखें तो वहाँ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का नाम आता है। अगर आपके पास कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर एक्वायर होगी गवर्नमेंट से, तब तो वैसे ही एग्जम्पशन है। लेकिन अगर आप उसको खुद से बेचते हो, जब आप उसको खुद से बेचते हो ना दोस्तों, जब आप उसको खुद से बेचते हो तो खुद से बेचने पर मैं आपको बता दूँ कैपिटल गेन निकलेगा, लेकिन अगर वो पिछले 2 साल से खेती में काम आ रही है बाई द इंडिविजुअल और HUF, तो आप उसके बदले में एक और एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, चाहे अर्बन में खरीदो या रूरल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी खरीदो एग्रीकल्चर लैंड, यू कैन टेक एग्जम्पशन। ट्रांसफर की डेट से 2 साल का समय मिलेगा आपको, जिसमें आपको ये जमीन खरीदनी है, ठीक है भाई, और वही कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है, सेल प्राइस को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहा गया है, राइट, उसके लिए नहीं कहा गया है। यहाँ तक की बात आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करेंगे 54D की। यहाँ पर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, रेजिडेंशियल नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, जिसको आप पिछले 2 साल से लगातार अपनी इंडस्ट्री में काम ले रहे थे, सरकार ने आज उसको कंपल्सरी क्या किया, एक्वायर किया, आपने बेचा नहीं, एक्वायर किया। तो एक्वायर करने से जो भी पैसा आया उससे आपको लैंड और बिल्डिंग खरीदनी है वापस इंडस्ट्रियल के लिए। 3 साल का समय मिलेगा फ्रॉम दी डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अच्छा, यहाँ ट्रांसफ़र का मतलब जिस दिन कॉम्पनसेशन मिलता है वहाँ से 3 साल होते हैं, ठीक है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने से काम चल जाएगा, सेल प्राइस आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है, राइट। इसके बाद 54EC में ऑल SSE का नाम है। इसमें लिखा हुआ है कि आप लैंड बिल्डिंग दोनों कुछ भी बेच सकते हो आप। इसके बदले में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बॉन्ड में, NHAI, NAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। ये बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड होते हैं और इनको रिडीम किया जा सकता है ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप ये सरकारी बॉन्ड लोगे तो केवल 5 साल के बाद ही ये रिडीम होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास लैंड या बिल्डिंग या बोथ कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको केवल 6 महीने का समय मिलता है फ्रॉम दी डेट ऑफ ट्रांसफ़र। जितना कैपिटल गेन है और जितना बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से जो लोअर होगा उसकी छूट मिलेगी,
लेकिन एग्जम्पशन आपको 50 लाख से ज़्यादा बॉन्ड में नहीं मिलती है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में करो या करंट ईयर के बाद करो, लेकिन आपको 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक सेक्शन है 54F जिसमें इंडिविजुअल HUF को एग्जम्पशन मिलती है, इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म असेट हो सकती है, कोई भी, बस अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें खरीदना भी आपको रेजिडेंशियल हाउस ही पड़ेगा। तो अगर आपने हाउस बेचकर हाउस खरीदा है तो फिर तो आप सेक्शन 54 में आ जाओगे। तो 54F ये कहता है कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट सेल करो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, और इसमें एक कंडीशन है कि आपके पास पहले से एक से ज़्यादा मकान नहीं होने चाहिए एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर ऑलरेडी आपके पास एक से ज़्यादा मकान है तो यू कैन नॉट टेक एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन। ये कंडीशन 54 में नहीं थी, क्योंकि वहाँ मकान बेचना पड़ेगा तो खरीदोगे। यहाँ पर पता चला मकान बेच बेच के सारे सॉरी दूसरी असेट बेच बेच के मकान खरीद रहे हो, तो एक से ज़्यादा मकान अगर आपके पास हैं तो यू कैन नॉट टेक एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। इसके अलावा ही शुड नॉट परचेज विद इन 2 ईयर और आफ्टर 3 ईयर्स कंस्ट्रक्ट। और अगर आप एग्जम्पशन ले चुके हो ना सेक्शन 54F के अंदर, अगर आप एग्जम्पशन ले चुके हो तो आने वाले 2 साल में ना तो आप कोई मकान खरीदोगे ना बनाओगे 3 साल में, ये कंडीशन है। इसमें आपको मकान ही लेना है इंडिया के अंदर, और एक ही लेना है, यहाँ 2 नहीं लेने हैं, ध्यान रखना। टाइम लिमिट वही है जो 54 में थी, पहले वाला 1 साल या बाद वाले 2 साल, और अगर बनाना चाहते हो तो 3 साल। यहाँ दोस्तों सेल प्राइस इन्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता है। तो जो भी आपका सेल प्राइस होता है अगर वो आप पूरा इन्वेस्ट कर देते हो तो कैपिटल गेन आपका पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर सेल प्राइस आप कम इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली कम ही एग्जम्प्ट होगा। इसका फॉर्मूला भी मैंने ऑलरेडी क्लासेस में लिखवा रखा है कि भाई जितना लॉन्ग टर्म गेन है वो लिख लो डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड, इससे अमाउंट इन्वेस्टेड से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे आपकी एग्जम्पशन निकल कर आ जाएगी। तो एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों कि चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारा कवरेज करूँ। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दूंगा, लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाएं, मेरी पूरी क्लासेस का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। इसके अलावा फ्री रिवीजन क्लासेस, नोट्स वगैरह फ्री चाहिए, क्वेश्चन बैंक फ्री चाहिए, ये सब काम अमित खांडल क्लासेस ऐप के ऊपर दे रखा है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, आपके मोबाइल में सारा कॉन्टेंट आपको वहाँ से फ्री मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स।